Hello everyone, welcome to your own gardening channel. In today's video I am going to show you how we can grow plant and care for Irisin herbistii. This is Irisin herbistii. Irisin herbistii is an evergreen flowering plant and it is native to Brazil, Honduras and Ecuador. Scientifically it is known as Irisin herbistii, and in her classification it is known as Irisin. And commonly it is known as bloodleaf plant and chicken gizzard bees ko bola jata hai, and it belongs to the family of Amaranthaceae. If they are growing in very suitable environment, they can grow up to 5 feet in height and 3 feet ki jo spacing kar sakte hain. Both healthy plants hote hain, both khoobsurat plants hote hain. In mein different jo kinds hain inki, different varieties jo hain wo available hoti hain nurseries mein. Mere paas jo hai ye limeline hai, jaisa ki aap visit kar rahe hain. और इसके अलावा ये फुली ग्रीन होते हैं, रेड रोज़ कलर जो है उसमें भी ये अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लड लीफ भी बोला जाता है. एंड इसके अलावा इसको बहुत इजी है प्रोपोगेट करना, फुली सनलवर प्लांट है ये. पार्शल शेड्स जो हैं उनमें भी ये हेल्दी ग्रो कर जाते हैं. आउटडोर प्लांट भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आप इनको इनडोर भी ग्रो कर सकते हैं. और प्रोपोगेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ईजी है, आप सिंपली इनको इनकी स्टेम कटिंग्स जो हैं उनसे ग्रो कर सकते हैं. स्टेम कटिंग्स ही इसका बेस्ट जो मेथड है इसको प्रोपोगेट करने का. आप इनको वाटर में प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप इनको सॉइल मिक्सेस जो है उनमें प्रोपोगेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. फुली सैंडी लमी सॉइल मिक्सेस जो हैं उनमें ये ग्रो करना लाइक करते हैं. आप इनको पॉटिंग मिक्सेस जो हैं उनमें ग्रो कर सकते हैं. तो अभी इसके अलावा मैं आपके साथ और चीज़ें भी इसकी शेयर करता जाऊँ कि पेस्ट वगैरह जो हैं वो रेयरली इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इनके ऊपर एफर्ट्स और मेलीबैग्स जो हैं, स्पाइडर्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं. तो उसके लिए सिंपली आप लिक्विड डिटर्जेंट और नीम ऑयल के मिक्सचर का स्प्रे करें तो वो रिमूव हो जाते हैं, या आप कोई से भी पेस्टिसाइड्स जो हैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. और इनके ग्रोइंग सीजन में आप इनको जो है फर्टिलाइजर्स अगर प्रोवाइड करना चाहें, वैसे ये इतने नीडी नहीं होते, लेकिन अगर आप इनको फर्टिलाइज प्रोवाइड करना चाहें तो आप इनको कोई से भी लिक्विड जो आपके पास हो, सोल्ड जो फर्टिलाइज़र है वो आप इनको इनके ग्रोइंग सीजन्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनको सिंपली काउ डंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये हेल्दी ग्रो करते रहते हैं. और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी ये प्लांट जो है ग्रो किया जाता है, मेडिसिन जो हैं उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है. और इसके अलावा ये जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इनडोर और आउटडोर भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, एजेस के ऊपर आप इनको ग्रो कर सकते हैं और आप इनकी हाइट जो है वो मेंटेन रखें, तो ये बड़े खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुली जो है आपके पास एक अच्छी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं. तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को इस प्लांट की विज़िट करवाता हूँ और बाकी की चीज़ें हम साथ साथ जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा. और इसके अलावा ये प्लांट जो है जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है, और इसके अलावा इसकी मदर प्लांट और बाकी की कटिंग्स जो मेरे गार्डन में हेल्दी ग्रो कर रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. सो लेट्स गो. जी व्यूअर्स, ये मेरा आयरजिन हर्बिस्टियाई का प्लांट है और ये ब्लेजन लाइम वैरायटी है इसकी. अभी तक ग्रीन और रेड वैरायटी जो है इसकी अवेलेबल नहीं हो सकी मुझे अभी तक, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी जो ब्लेजन लाइम है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. तो इसमें इसके जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट स्टेम होते हैं, रेड स्टेम्स होते हैं इसके, और आप इसके लीव्स देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं. और ये प्लांट जो है ये कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, ये आलमोस्ट 4 वीक्स है इसका. तो जब मैंने इनको प्लांट किया था हेल्दी ग्रो कर रहे हैं. तो अभी चलते हैं, हम आप लोगों को इसकी मदर प्लांट विज़िट करवाता हूँ और अभी हम कुछ कटिंग्स जो हैं और रिसीव करेंगे और उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे हम इजली जो है ग्रो कर सकते हैं इनको कटिंग से. तो अभी चलते हैं, इसका मदर प्लांट विज़िट करते हैं. और यहाँ पे ये इसका मदर प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेल्दी ग्रो कर रहा है प्लांट. और आज अगेन इसकी जो कटिंग्स जो हैं वो रिसीव की जाएंगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ये ग्रो कर रहा है और अपने लीव्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहा है, और स्टेम्स जो हैं इनके कितने ब्यूटीफुल होते हैं. ये भी एक स्मॉलर कंटेनर जो है उसके अंदर ग्रो कर रहा है ये प्लांट, जैसा कि आप देख सकते हैं. और इसके अलावा इसकी जो स्मॉलर कटिंग्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. यहाँ पे भी जो है एक सिंगल कटिंग जो है मैंने एक स्मॉलर कंटेनर के अंदर प्लांट की थी, वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली ग्रो कर रही है, हेल्दी ग्रो कर रही है प्लांट भी.
और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट जो है उसके अंदर भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे ये हैंगिंग बास्केट जो है उसमें भी ग्रो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है। कितने ब्यूटीफुल लीव्स जो है इसने प्रोड्यूस किए हुए हैं। कुछ ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे डाई बैक हो चुकी हैं हार्श वेदर की वजह से, इनको मैं रिमूव कर दूँगा और इस प्लांट को क्लीन किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बास्केट जो है उसके अंदर हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर भी इसके लीव्स जो हैं ये हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और कुछ कटिंग्स जो हैं वो मैं रिसीव करूँगा और आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। सो लेट्स गो और चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पर, और जो कटिंग रिसीव करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम कटिंग कैसे रिसीव करेंगे। और कटिंग रिसीव करने के बाद वर्क स्टेशन पर चलते हैं और अपने प्लांट्स जो हैं उनको रीग्रो करते हैं। सो लेट्स गो। जी व्यूअर्स, अभी मैं कटिंग रिसीव करने जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी इलोंगेटेड हो चुकी हुई हैं इसकी, और इनको मैं कट बैक करूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ विज़िट करवाता जाऊँ, आप लोगों को शेयर करता जाऊँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू ग्रोथ है वो डेवलप हो रही है यहाँ पे इसकी। तो जब मैं इसकी कटिंग रिसीव करूँगा तो ये इसी तरह से न्यू ब्रांचेस न्यू ग्रोथ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए आपके पास शार्प सीजर्स होने चाहिए, स्टेरलाइज सीजर्स होने चाहिए आपके पास, और आप इनकी कटिंग्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। तो इसकी एक कटिंग जो है मैं ऑलमोस्ट इस पोर्शन से रिसीव करूंगा, और मेरे पास ये इसकी एक कटिंग जो है वो मैंने रिसीव कर ली है इसकी। और इसी तरह इसके बाकी के पोर्शंस जो हैं उनसे भी मैं कटिंग रिसीव कर लेता हूँ। जी व्यूअर्स, वी आर एट अवर वर्क स्टेशन नाउ और यहाँ पे इनकी कटिंग्स जो हैं वो रिसीव की जा चुकी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके लिए जो प्लास्टिक कंटेनर जो है इसके साथ मैंने जो स्ट्रिंग है वो अटैच किया हुआ है, इसको हैंगिंग बास्केट जो है उसके तौर पे यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर। और यहाँ पर मैं सॉइल मिक्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। मेरे पास वेल ड्रेंड सैंडीलूमी सॉइल मिक्स है और इसमें मैं इस प्लांट को जो है वो रीग्रो करने जा रहा हूँ। इसमें मैं किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो ऐड नहीं कर रहा। तो अभी सॉइल मिक्स जो है वो रेडी है, पॉट जो है उसको फिल करते हैं। और जो कटिंग्स हैं आप इसकी 4 to 5 inches की कटिंग जो हैं वो प्लेस करेंगे। इसके लोअर लीव्स जो हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद हम कटिंग्स जो हैं उनको प्लेस करते हैं। तो जैसे कि आप विज़िट कर रहे हैं मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसके लोअर लीव्स जो हैं इनको मैं रिमूव कर दूंगा। और ये हमारे पास ये कटिंग जो है वो रिसीव हो गई है। तो इस तरह की कटिंग्स बनाने के बाद मैं इस पॉट के अंदर इनको रीप्लांट करूंगा। जी व्यूअर्स, हमारी कटिंग्स जो हैं वो प्लेस की जा चुकी हुई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी मैं इनकी वॉटरिंग कर दूंगा और इसको जो है
पार्शल शेड में डिस्प्ले कर दूंगा ताकि ये प्लांट्स जो हैं अपने रूट सिस्टम जो वो डेवलप कर सकें, अपना जो फ्यूचर है वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही अपने न्यू शूट्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, मैं इनको ब्राइट सन लोकेशन पे डिस्प्ले कर दूंगा ताकि ये प्लांट जो है अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप कर सके। जय व्यूअर्स, आपको आयरजिन हर्बिस्टियाई की प्लांटेशन और केयर के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो वीडियो वो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप भी इस ब्यूटी को अपने गार्डन में ज़रूर स्पेस दें और इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आई थिंक ऑल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि किस तरह ईजिली हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आप लोगों को इसकी प्लांटेशन और इसकी केयर के रेफरेंस से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।